हेलो लवली फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर बहुत अच्छा स्नैक बन सकता है बहुत अच्छा लंच uh, बन सकता है एंड बहुत अच्छा डिनर बन सकता है एंड इसकी रेसिपी बहुत इजी है आप सब ट्राई करें बच्चों को खिलाएं बड़ों को खिलाएं जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी खा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ मैंने ओवर उड़द की दाल हाफ कटोरी हाफ कप एंड हाफ मिलेट मिलेट जो है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा मिलेट एक लाइक दलिया होता है एंड दूसरा होता है मिलेट तो मिलेट और दलिया दोनों ही अवेलेबल होता है बट हमें दलिया यूज़ नहीं करना है यहाँ मिलेट यूज़ करना है एंड फोर टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पोहा लिया है जिसे मैं धो लिया है मैंने अब मैं इन सबको ग्राइंड कर दूंगी हाँ मैंने जो मेरा मिलेट और उड़द की दाल को जो मैंने भिगो रखा था उसके अंदर मैंने आधा चम्मच मेथी दाना डाला था मेथी दाना आधा चम्मच सो so, अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे अब मैंने यहाँ पे मिलेट उड़द दाल एंड मे मेथी दाना डाल दिया है यहाँ मैंने जो फोर टेबल स्पून पोहा धोकर रखा हुआ था मैंने वो भी डाल दिया है यहाँ मैंने अदरक लहसुन लिया है जो जिसकी रेसिपी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें इसे कैसे स्टोर करना है ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए फ़्रेश रहे तो यहाँ मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन ले लिया है एक से डेढ़ चम्मच अब मैं यहाँ पर डालूँगी इसके अंदर सॉल्ट आप अपने हिसाब से सॉल्ट डालिए बट मैंने यहाँ पे आधा चम्मच सॉल्ट लिया है क्योंकि यहाँ मैंने ले रखा था हाफ कप दलिया मिलेट एंड हाफ़ कप उड़द दाल सो तो यहाँ मैंने आधा चम्मच मिर्ची डाल दी है एंड यहाँ मैंने दो, कर, दो हरी मिर्ची डाल दी है अब अब इसको ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है तो मैं इन ची इन कुछ भी बना सकती हूँ मैं यहाँ पर आपको बनाऊँगी दो चीज़ें बनाना सिखाऊँगी एक तो डोसा एंड दूसरा उत्तपम इन चीज़ों से पहले तो हमें ये करना है कि हमें इसे ओवरनाइट के लिए रख देना है ताकि ये फर्मेंट हो जाए अपना मतलब अच्छे से अगर हम इसको पूरी छः से सात घंटे के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा जो डोसा होता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है एंड इसमें अलग सा अपना टेस्ट आ जाता है अब आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको पूरा छः घंटे के लिए रख दिया था एंड मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है ये बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी फूला फूला मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटे की तो अब चलिए यहाँ पे डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ मैंने पैन पे ऑयल लगा लिया था एंड थोड़ा सा डोसा का बैटर डाल के अच्छे से इसे राउंड राउंड कर लिया था अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एंड कितना यमी लग रहा है ये अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ कितना क्रिस्पी ये बहुत ही क्रिस्पी होगा खाने में बिल्कुल पतला बना है क्योंकि मैंने इसे छः घंटे के लिए जो रखा है उससे तो आप चाहें तो इसे लंच में भी इंजॉय करके खाइए डिनर में भी खाइए आप देख सकते हैं कितना पतला बनाया ये बहुत टेस्टी होता है बहुत ही अम्मी होता है फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर डायबिटीज़ वाले भी इसे आराम से बना के खा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम ना ही इसमें शुगर होता है ना ही कुछ उनके लिए मिलेज बहुत अच्छी होती हैं सो चलिए अब यहाँ पर हम अपना दूसरा उत्तपम की तैयारी करते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा बैटर जिससे मैं उत्तपम बनाऊँगी ये देखिए मेरा बैटर बिल्कुल कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है इसमें बिल्कुल पानी नहीं आपको मिलाना है बिल्कुल ऐसे ही रखना है यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्ची टमाटर एक शिमला मिर्ची है एक टमाटर है एंड एक प्याज काट के मैंने डाल दिया है इसके अंदर आप चाहें तो कोई और भी सब्ज़ी डाल सकते हैं गाजर मूली कुछ भी यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया था क्योंकि सब्जी डलने के बाद सॉल्ट थोड़ा कम हो जाता है एंड थोड़ी सी लाल मिर्ची ले ली थी अब मैं इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दूँगी तो यहाँ जो मेरा जो उत्तपम बैटर है वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है अब यहाँ मैंने वन टेबल स्पून म्योनीस ली है एंड इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी अमूल चीज़ ब्रेड एक चम्मच क्योंकि मैं चीज़ वाला उत्तपम बना रही हूँ आप चाहे तो विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं अगर आप यहाँ पे मियो के साथ चीज़ मिलाएँगे तो बहुत यम्मी चीज़ी चीज़ी उत्तपम बनेगा यहाँ मैं मियो के साथ ही पसंद करती हूँ चीज़ सो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया अच्छे से सो अब मैं अपना बैटर को बनाना मतलब अपना उत्तपम बनाऊँगी यहाँ मैंने पैन ले लिया था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा उत्तपम पोर कर दिया है एंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब इसे हम वन से टू मिनट्स के लिए कुक करेंगे अब देख सकते हैं आप इसे अब हम इसे टर्न कर देंगे कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है देखिए यहाँ हमारा उत्तपम हो गया है बनकर बिल्कुल रेडी विद इन टू मिनट्स टू टू थ्री मिनट्स अब हम यहाँ पर मैं अपना जो चीज़ मैंने बनाया था म्योनीज़ एंड चीज़ वो मैं यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से उत्तपम पर यह हमारा चीज़ी उत्तपम बनके बन के रेडी हो गया है एंड अब आप इससे चाहे स्नैक्स में लंच या डिनर कभी भी अच्छे से कभी भी इंजॉय कर सकते हैं सो so, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए